विश्रांत मसीन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज के मार्केट डेफिनेटली एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर थी और हम लोगों ने कल ये डिस्कशन भी करा था। ओपन इंटरेस्ट को देखकर हमने डिसीजन लिया था कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों सेम है और दोनों जगह हेवी राइटिंग हो रही है, तो मार्केट डेफिनेटली अगर ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में खुलेगी तो नीचे जाएगी और दोपहर में फिर ऊपर जाएगी, तो पूरी रेंज बाउंड रह सकती है। तो हम लोग ऊपर और नीचे का कॉल और पुट शॉर्ट करके चल सकते हैं हाफ आवर के बाद, मतलब 12 बजे के बाद। सो एग्जैक्टली वैसा परफॉर्मेंस हुई है। उसके अलावा बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को कौन से 3 स्टॉक्स पे ट्रेड लेना और वही 3 स्टॉक्स आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो जरूर चेक करना। और बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अप करना क्या। ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करेंगे नहीं बिकॉज आज थर्सडे की एक्सपायरी थी, तो बहुत सारे अनवाइंडिंग हुई होगी, बहुत सारा डाटा इधर उधर होगा, तो हम लोग उसको मंडे को ही चेक करेंगे। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट पेपर पे अगर आप क्लियर यहाँ पर देखेंगे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, एंड प्लीज गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल बिकॉज आप टर्न ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे अदरवाइज, क्योंकि मैं वहाँ पर इंट्राडे में रिकमेंडेशन देते रहता हूँ विद अ लॉजिकल रीजनिंग कि किस तरीके से वो स्टॉक चूज करा गया। सो ये भी मैंने दे रखा है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का जोन देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली जोन में हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले थे और पास्ट 2019 जनवरी को हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था। कौन सा लेवल था ये ब्रेकडाउन का? 285 रुपीज़ का। उसके बाद जाके अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। हम लोग मल्टीपल विक रिजेक्शन जरूर देख रहे हैं बट इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है। अब आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है ये, एंड यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर सिंपल सिमेट्रिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन। करंट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का 266.50, हम लोग 267.50 के ऊपर बाय बना सकते हैं और हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 280-285 रुपीज़ का। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ऑलमोस्ट हम लोग 300-310 रुपीज़ तक के टारगेट्स बहुत ईजिली से विद इन अ डे और टू भी देख सकते हैं। तो स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करेगा, मुझे लगता है ये डबल बॉटम बना के ऊपर गया है तो अच्छी मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है कल के दिन कंसोलिडेशन करे और मंडे के दिन जाके फिर एक बड़ी मूवमेंट दे, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करके रखिएगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो में हमें क्लियर एक चीज पता है कि जो अप्रैल से 50 रुपीज में ट्रेड कर रहा था और अब ये 280 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। यस गाइस, इतनी ज्यादा मूव दे दी, इतना ज्यादा बुलिश ट्रेंड स्टॉक के अंदर चल रहा है और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, एक बहुत बढ़िया ट्रेंड था, बहुत मेजर, मतलब अगर हम लोग बात करें मेजर ट्रेंड की तो मेजर ट्रेंड इज बुलिश, मेजर ट्रेंड इज बुलिश, माइनर ट्रेंड इज बियरिश, माइनर ट्रेंड इज बियरिश। बट इस माइनर ट्रेंड का भी रिवर्सल आ चुका है क्योंकि इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इस हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने और अगली कैंडल जो थी वो उसके ऊपर जाके भी क्लोज करी है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो इसी लेवल पे मल्टीपल विक रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे बिकॉज ये लेवल के ऊपर जाना नहीं चाह रहा था, बट अब इसके ऊपर गया, कंटिन्यूसली 2-3 घंटे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और सस्टेन करा है। सो आई पर्सनली थिंक इसको हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं, बट ये एक एज अ इंट्राडे ट्रेड होगा, 268 रुपीज पे काम कर रहा है। अगर कल 1-2 रुपए की डिप मिलती है तो बाय कर सकते हो, हमारा टारगेट होगा 276-277 रुपीज का, बट अगर उसके ऊपर जाता है तो हाइएस्ट 10 रुपए की मूवमेंट ये और दे सकता है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रो। बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक। सो गाइस, हमारा थर्ड स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल का करंट प्राइस अभी 742 चल रहा है और मैंने 3-4 दिन पहले ही आप लोगों को 713 पे भी बाय करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी। उसका टारगेट हमारा अचीव हो गया था, वो हमारा 742 ही था जो कि अचीव हो गया था इंट्राडे के अंदर और उसके बाद से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। दोबारा बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं बाय करा है, फ्रेश बाय पोजिशन बन सकती है। आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म चैनल की सपोर्ट की लाइन चल रही है, जो कि मल्टीपल यहाँ पर टेस्ट होती है। जब भी स्टॉक यहाँ पर टेस्ट करता है ट्रेंड लाइन पे, हम एक नया हाई बनते हुए देखने को हुआ क्या, अभी रिसेंटली यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपल्स मूवमेंट आई, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया। एग्जैक्टली कंसोलिडेशन फेज पे जैसे ही डिप में आते रहा, इसने दोबारा उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा जो कि एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, वहां पर इसने एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करा और ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अभी एक अच्छे क्रूशियल लेवल से ऊपर निकला। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो एग्जैक्टली एस्ट्रा माइक्रो वाला सिनेरियो हमें देखने को मिला। मेजर ट्रेंड इज बुलिश बट उसके बाद एक माइनर ट्रेंड बियरिश था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करा और अगेन ब्रेकआउट दिया। यानी कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का तो ब्रेकआउट दिया, पर ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया
और फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाने के बाद उसका भी ब्रेकआउट दिया। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। 7.65 to 7.70 का मैं पहला टारगेट मान के चल रहा हूँ, बट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग 800 रुपीज तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो चेक करना नहीं है, बिकॉज अभी ओपन इंटरेस्ट के डाटा में कुछ ज्यादा खास होगा नहीं, आज ही एक्सपायरी हुई है। देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी बेसिस में बात करने वाला हूँ, तो याद रखिएगा। ये साइकोलॉजी से एक बात और याद आई है, मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने कल या परसों मेरे पास आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली संडे से पहले अपलोड हो जाएगी, मैंने बना लिया, बस एडिटिंग का थोड़ा सा पार्ट रह गया है। उस वीडियो में मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स कवर करे हैं जिसमें 99% ट्रेडर्स क्यों पैसा गंवाते हैं, वो क्यों कंसिस्टेंट नहीं बन पाते हैं, और ऐसे तीन कौन से रीजन है जिसकी वजह से। और वो तीन रीजन आपको कोई भी यूट्यूब कोई भी गूगल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो हमने अंदर से जो फेस करा है ना वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली उसको जरूर चेकआउट करेगा, पसंद आए तो दोस्तों फ्रेंड्स हर बंदे के साथ उसे शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में पहली बार एंटर करना चाहता है। तो निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट हो सकता है, तो यहां पर पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है, तो इसे भूलिएगा मत। हमने बात करी थी ये वाला जो था ना, एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद इसका स्विंग हाई ये था, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट होने के बाद क्या करा था इसने, जिस दिन पहली बार गैप अप आया था हमने देखा था ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया। पहले ट्रेंड क्या है, पहले ट्रेंड तो बियरिश है ना, ट्रेंड तो पहला बियरिश है। ट्रेंड बियरिश होने के बाद हमने क्या करना है, अगर बुलिश ट्रेंड में जाना है तो दो फैक्टर होते हैं जिसे हमें चाहिए होते हैं। दो फैक्टर कौन से हुए, एक तो प्रीवियस हाई के ऊपर जाए और जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर रहे, मतलब एक तो हायर हाई बनाए और एक हायर लो बनाए। इसने एक हायर हाई तो डेफिनेटली बना दिया था, एक सिनेरियो पूरा हो गया था, हमें पता चल गया था कि अब एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है, बट हमें दूसरा सिनेरियो भी कंप्लीट करना था। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक हायर लो। अभी लो क्या था, ये लो था, हमने बोला था यहाँ से नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो हमें बाय कहाँ पर करना है, हमने बोला था हमें बाय करना है, ये बॉटम है ये टॉप है, हमने बोला था आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग 50% और 61%, ये देख रहे हैं इसके अंदर आएगा ये शेयर गिर के, ये स्टॉक नीचे आएगा इसके अंदर, अगर यहां से रुक के ऊपर गया और इसके ऊपर चला गया हम बाय बना लेंगे तुरंत, और हमें पता चल जाएगा कि अब ये इसके ऊपर भी तोड़ देगा। बट अगर ये तोड़ते 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 61% में, और आगे कर देता हूं ये देखिएगा, ये 61% के नीचे चला गया तो हम क्लियर शॉर्ट कर देंगे, और यहां पर शॉर्ट ट्रेड हम लोगों ने टेलीग्राम पे लिया था और ये पूरा का पूरा फॉल हमने कवर करा था, ठीक है। तो यहां पर हमें एक चीज पता चली कि इसने दोनों सिनेरियो फुलफिल नहीं करे, क्यों, क्योंकि ये इसका लो था और ये तो लो के नीचे चला गया, इसने तो लोअर लो बना दिया ना कि हायर लो, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। दोबारा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने प्रीवियस हाई को, यानी कि एक सिनेरियो दोबारा रिपीट हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, इसे नीचे आना पड़ेगा और नीचे अपना ये वाले लो को नहीं तोड़ना और यहीं कहीं से रिवर्सल करना है। तो यहीं कहीं से रिवर्सल कहां से कर सकता है, वो वहीं से करेगा 50 और 61, मतलब ये शेयर गिर के निफ्टी गिर के यहां तक आए, यहां पॉज ले और यहां से जैसे ऊपर जाएगा हम लोग अपना बाय बना लेंगे। बट अगर ये दोबारा तोड़ के नीचे चला गया और नीचे जाते रहा तो हम लोग सीधा शॉर्ट कर देंगे और यही हमारा दोबारा टारगेट होगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे हमें कैसे ट्रेड लेना है। अब आपके माइंड में वाली बात आ रही होगी, शिवान सर अगर ये नीचे नहीं आया, ये तो अपने प्रीवियस वाले हाई को तोड़ के ऊपर चला गया, तो क्या करना है। देखिएगा आज के दिन ये एक रेंज के अंदर बंद रहा, ये देख रहे हैं एक रेंज के अंदर बंद रहा पूरे टाइम, जो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था। अगर ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे देता तो आपको ये क्या लग रहा है, ये रेंज आपको देखकर क्या लग रहा है, ये कोई एक बढ़िया रेंज बनी है, मेरे हिसाब से नहीं बनी है। बढ़िया रेंज होती है कम से कम ऊपर 3 बार छुए नीचे 2 बार या 3 बार छुए, बट यहाँ तो इसने 2 बार ही ऊपर छुआ है नीचे तो आया ही नहीं है। हो सकता है कल फ्राइडे में ये दोबारा इसी रेंज के अंदर काम करना स्टार्ट करे और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में पूरे दिन इस रेंज के अंदर रहता है और मंडे के दिन ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम सीधा बाय बना लेंगे। बट अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में ही ऊपर चले जाता है तो पहले हम लोग 1 घंटा वेट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के बाद शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्योंकि अगर रेंज बढ़िया नहीं हो ना, रेंज अगर मजबूत ना हो और वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, जो पास्ट में देखा गया है कि वो शायद फॉल्स ब्रेकआउट होता है और मार्केट में वो दोबारा नीचे आ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा और उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे कल सुबह दे दूंगा। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट निफ्टी में पहले एक हायर हाई बन गया था, यहां पर अब बना जाके ये देख रहे हो, ये लाइन जो मैंने ब्लैक वाली बना रखी है, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, यही स्विंग हाई था।
बट अब इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया और अपना स्विंग हाई ब्रेक करा, मतलब एक हायर हाई क्रिएट करा। अब इसे क्या करना है, दूसरा सिनेरियो फुलफिल करना है जिसे हम लोग कहते हैं हायर लो। ये बिगनर्स की बात है, अगर आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकते हो। तो अब आप सुनिएगा, ये रेंज अच्छी लग रही है बिकॉज यहां पर दो बार रुका है और फिर तीसरी बार आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है तो ये सस्टेन हो सकता है, बट निफ्टी अगर ऊपर जाए और ये भी साथ में ऊपर जाए तो याद रखना कि हमें पहले एक घंटा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये नीचे आना शुरू करता है, जैसे ही कल रेंज को तोड़ के नीचे आना शुरू करे, तुरंत सीधा शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर देना और हमारा टारगेट होगा सबसे पहला 50%। यहाँ पर हम लोग बुक कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग बुक कर लेंगे अपना शॉर्ट का प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, जैसे ही बैठ जाएंगे फिर हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे इस रेंज के अंदर ये आ गया, इस रेंज के अगर नीचे फिर चला गया और क्लोजिंग कर दी 15 मिनट की कैंडल तो फिर शॉर्ट कर देंगे और ये हमारा टारगेट होगा। बट अगर इसी रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर जाना शुरू करा तो हम सीधा वहां पर बाय एंट्री भी ले लेंगे, पहले हम शॉर्ट में पैसा कमाएंगे फिर बाय में प्रॉफिट में पैसा कमा लेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। और अगर ऊपर जाता है तो पहले सस्ते ही उन्हें देना, देखने देना कि एक फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कल जब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ सेटअप देखे तुरंत मेरी वीडियो साइड में खुल के सुन लेना मैंने दोबारा क्या बोला, उसे रिपीट में लगा लेना एंड उसी बेसिस पे ट्रेड ले लेना। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पसंद आया होगा डेफिनेटली गाइस। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स यार विद इन दिस मंथ। 1 लाख सब्सक्राइबर 2021 में तो पूरे कर ही लेते हैं कि 2022 में हम लोगों को भी एक बटन मिल जाए, सिल्वर बटन, जिससे हमारी ऑडियंस भी खुश हो और मैं पर्सनली खुश हूँ। Thank you guys, have a good day, bye bye.